सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के भाई अपन रिव्यू करने वाले हैं फ्रॉम सीरीज का, जो कि एक साइफाई हॉरर थ्रिलर कैटेगरी की सीरीज है। अब देखो इसके जो दो सीजन है वो पहले ही आ चुके हैं। जो पहला सीजन था वो 2022 में रिलीज हुआ था एंड दूसरा सीजन 2023 के अंदर ड्रॉप करा गया था। एंड अभी आप लोग को इसका जो तीसरा सीजन है वो 22 सितंबर को देखने को मिलेगा। ये रिव्यू बनाने का रीजन ये है कि भाई पहली बात तो सीरीज काफी तगड़ी है एंड दूसरा ये कि अभी तक ये शो हिंदी लैंग्वेज में ड्रॉप नहीं करा गया था, बट अभी करंटली सीरीज हिंदी में आ चुकी है तो डबिंग आप लोग को कैसी सुनने को मिलती है एंड इंडिया के अंदर आप लोग को कब तक ये जो शो है वो इजीली अवेलेबल करा दिया जाएगा, सब कुछ आप लोग को बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अच्छा लगे वीडियो देन इसको लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले अगर बात कर लें इस शो के प्लॉट की, तो फ्रॉम सीरीज के अंदर आप लोग को जो स्टोरी है वो एक ऐसे मिस्टीरियस टाउन की देखने को मिलती है, जिसके अंदर अगर कोई इंसान एंट्री कर लेता है तो वहां से एग्जिट लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो इंसान उधर ही फंस कर रह जाता है। अब चीजें वैसे तो देखने में काफी नॉर्मल लगती हैं, लेकिन अगर आपके पास चाहे गाड़ी हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, अगर आप लोगों ने उस टाउन के अंदर एंट्री ले ली है फिर आप उधर से बाहर नहीं निकल सकते हो। एक तरीके से मान लो कि आप एक लूप के अंदर फंस जाते हो, जहां पे आप जितनी भी कोशिश करोगे आप वापस से उसी जगह पर आकर खड़े हो जाओगे जहां से आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा हुआ था। एंड दैट्स व्हाई एक साइफाई हॉरर है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को जो लाइक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं वो थोड़े से वियर्ड हैं। अब देखो जो लोग भी इस टाउन के अंदर फंसे हैं, पहली बात तो उनके दिमाग में यही चल रहा है कि वो किस तरीके से उस प्लेस से बाहर निकलेंगे, बिकॉज वहाँ पे उनके मोबाइल फोन और कुछ भी काम नहीं करते हैं। लेकिन उनका जो दूसरा मेन टास्क होता है जिसकी वजह से उनकी जान को भी लाइक खतरा है, वो ये है कि वहाँ पे रात में कुछ अजीबोगरीब तरीके के मॉन्स्टर्स आते हैं जो लाइक लोगों को तड़पा तड़पा कर मारते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर उनको सर्वाइव करना है तो पहली बात तो उनको जगह से बाहर निकलना है एंड दूसरा उनको एक ऐसा शेल्टर चाहिए जो कि रात में उन मॉन्स्टर से उनको बचा सके। सब जो लोग वहां पे फंस चुके हैं वो किस तरीके से लाइक पहली बात तो अपना सर्वाइवल करेंगे एंड उधर से बाहर निकल पाएंगे या फिर नहीं निकल पाएंगे, अगर आप लोग को जाना है देन आप लोग को इस शो को चेकआउट करना पड़ेगा। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे को भाई शो काफी अच्छा लगा है एंड जिन लोग को हॉरर थ्रिलर वाले शोज पसंद है वो लोग डेफिनेटली इस सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। इस शो के अंदर जो थ्रिलर एलिमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा सॉलिड लगे थे मेरे को, बट जो लोग प्योर हॉरर के लिए इस शो को देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि सीरीज की स्टोरी आप लोगों को कुछ जगह पे बोरिंग लग सकती है। मेन जो प्लस पॉइंट मेरे को इस शो का लगा वो था इसकी स्टोरी टेलिंग प्लस जो एक्टर्स हैं, मतलब कि हर एक कास्ट मेंबर को उनके रोल के हिसाब से लाइक लिया गया है एंड सभी ने भाई एकदम ढांसू एक्टिंग करी हुई है। मैंने इस शो को जब इंग्लिश में देखा था या फिर जब अभी हिंदी में देखा है, मेरे को ऐसा ना डबिंग के अंदर कोई इशू लगा है ना ही ऐसा लगा कि भाई कोई एक्टर जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे सूट नहीं कर रहा है। अब अगर डबिंग की बात हो गई तो बात कर लेते हैं कि इसके हिंदी डब का क्या सीन चल रहा है। सो देखो अभी एज ऑफ नाउ तो इसको इंटरनेशनली हिंदी लैंग्वेज में ड्रॉप करा गया है, इंडिया के अंदर अभी इसका हिंदी वर्जन आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 22 सितंबर को जब इसका सीजन 3 आएगा तभी आप लोग को ये जो शो है वो इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा प्राइम वीडियो पे। इससे पहले ये शो एप्पल टीवी प्लस के ऊपर था, लेकिन अगर आप लोग को नहीं पता है तो MGM जो कि लाइक इस शो को जिन्होंने बनाया हुआ है वो लाइक प्राइम वीडियो के अंडर में ही आती है। तो दैट्स व्हाई बताया जा रहा है कि अब इंडिया के अंदर ये शो आप लोग को लाइक Amazon प्राइम के ऊपर देखने को मिलेगा एंड उधर इसकी हिंदी लैंग्वेज भी आप लोग को ऐड होती हुई देखने को मिल जाएगी। अब देखो अगर इसके इंडिया रिलीज के अंदर कोई चेंजेस होते हैं देन वो मैं आप लोग को फ्यूचर में इन्फॉर्म डेफिनेटली कर दूंगा, बट मेरे को लगता नहीं है कि शायद इसकी रिलीज के अंदर अभी आप लोगों को कोई नया चेंज देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि अब इसको अगर हिंदी लैंग्वेज में ड्रॉप करा है तो उसके पीछे कोई तो रीजन होगा ही। बाकी आप लोग बताना कितने लोगों ने इस शो को इंग्लिश में देख लिया है एंड इसके सीजन 3 का इंतजार कर रहे थे एंड कितने ऐसे लोग हैं जो इसको हिंदी में लाइक रिलीज होने का वेट कर रहे थे, क्योंकि अब आपका जो वेट है वो ओवर हो चुका है। बाकी अगर वीडियो के लास्ट में मैं शो को अपनी रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसको दूंगा 4 out of 5 stars। मेरे हिसाब से तो एक मस्ट वॉच शो है जो लोग को भी लाइक हॉरर थ्रिलर वाले शोज देखना पसंद है, क्योंकि इसका हर एक एपिसोड भाई आप लोग को अपनी स्टोरी से ग्रिप कर कर रखते हैं तो आप लोग को पता भी नहीं चलता है कि आप कब इसके लाइक आखिरी एपिसोड पर पहुंच जाते हो। बाकी देखते हैं सीजन 3 में अपने को क्या स्टोरी देखने को मिलती है। तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है देन इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।